Yes. Hello everybody, civics कक्षा 10वीं वीडियो नंबर 4 होने वाला है हमारा, तो देखते हैं भाई क्या है अब इस वीडियो में क्या पढ़ने वाला है ना। तो अभी तक हम जो हमने पढ़ा ठीक है, थोड़ा अब समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आ गया होगा कोई दिक्कत नहीं है, मैं हमेशा यही हूँ, कभी भी आप कॉल करके या फिर व्हाट्सएप टेक्स्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वीडियो नंबर 4, अब इसको ध्यान से पढ़ते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, अगर ये समझ में आ जाता है, ठीक है। श्रीलंका का जो एग्जांपल है वो अपने माइंड में याद रखना, ठीक है। और श्रीलंका है उसके अपोजिट, ठीक है। श्रीलंका क्या हुआ था, श्रीलंका अपनी डाइवर्सिटी को मैनेज नहीं कर पाया था, ठीक है। अब बेल्जियम ने अपनी डाइवर्सिटी को मैनेज किया, कैसे मैनेज किया, वीडियो नंबर 3 में देख लेना कि किस तरीके से डाइवर्सिटी को मैनेज किया जा सकता है, ठीक है, किस तरीके से छोटे छोटे जो इश्यूज होते हैं उनको संभाला जा सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर बेल्जियम ने क्या किया होगा, ठीक है, बेल्जियम ने क्या किया, तो देखना श्रीलंका अपोजिट, एकदम पूरा अपोजिट, ठीक है। यहाँ पर जो जितने भी लोग थे हमारे पास श्रीलंका में बेल्जियम के अंदर, उन्होंने क्या किया, एक अलग ही रास्ता अपनाया, ठीक है। तो लीडर्स ऑफ बेल्जियम टू डिफरेंट पाथ, ठीक है। अब ये है ना, ये एक अलग ही रास्ते पर थे। श्रीलंका ने क्या सोचा कि भाई हमारे यहाँ पर तो सिंगला है, बहुत ज्यादा मेजोरिटी में है, इन्हीं की चलेगी, इन्हीं की बात मानेंगे, ठीक है ना। जो लोग मेजोरिटी में है इन्हीं को हम ज्यादा सपोर्ट करेंगे और इन्हीं को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। तमिल्स को छोड़ो, हमारी हम पर ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। बट यहाँ पर क्या हुआ, बेल्जियम में, बेल्जियम के अंदर डच वालों पर भी ध्यान दिया गया, फ्रेंच वालों पर भी ध्यान दिया गया, ठीक है। तो दोनों को ध्यान दिया गया और दोनों को साथ में लेकर चले हैं, ठीक है। आप किस तरीके साथ में लेकर चले हैं देखते हैं। पहला देखना है यहाँ पर, और अपनी डाइवर्सिटी को मैनेज करने के लिए इन्होंने क्या किया, डाइवर्सिटी को मैनेज करने के लिए यहाँ पर भाई ये अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन 4 times, ठीक है ना। संविधान में 4 संशोधन किए गए, ठीक है। क्यों किए गए, क्या रीजन था कि भाई ये जो सिविल वॉर की जो समस्या है, जिस तरीके से सिविल वॉर हुआ था श्रीलंका के अंदर, ऐसी समस्या बेल्जियम के अंदर ना हो, ठीक है। सबको सबके अधिकार मिले, सारे लोग खुश रहे, ठीक है। सभी लोगों को खुश रखने के लिए उन्होंने क्या किया कि भाई अलग हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, हमें अलग अलग सबके अधिकार दे दिए जाएंगे, ठीक है ना। सारे सारे मिलकर खुश रहेंगे, ठीक है ना। किसी को भी ऐसा ना लगे, बेगानापन लगे या अपने आप को एक अलग महसूस कर रहा है वो कि भाई यार हम तो अलग हैं, ऐसा किसी को भी महसूस नहीं होने दिया जाएगा। ये ऐसे चेंजेस किए हैं कहाँ पर, बेल्जियम में 4 संविधान में संशोधन किए गए, चेंजेस किए हैं, अमेंडमेंट किए हैं, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर, नंबर ऑफ मिनिस्टर विल बी इक्वल, ठीक है ना, नंबर ऑफ मिनिस्टर है वो इक्वल रहेंगे। अब इक्वल कैसे, ये मिनिस्टर है कौन है यार, ये मिनिस्टर है ना, एक अजीब चीज आ गई है। मिनिस्टर पता है क्या होता है, जिनके हाथ में पावर्स होती है, ठीक है ना। मैं एमपी की बात नहीं कर रहा, ठीक है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात नहीं कर रहा, मैं मिनिस्टर्स की बात कर रहा हूँ, जो कि जिनके पास एक बड़े बड़े एक एरिया होता है काम करने के लिए कि भाई आप वोटर संबंधित काम करेंगे, ठीक है ना। टेक्सटाइल है आपके पास है, ठीक है ना, आपके पास एजुकेशन है, ठीक है। मैं इन वाले एरियाज की बात करें, ठीक है। अब इन एरियाज में क्या हुआ कि जितने भी जो मिनिस्टर बनेंगे, ठीक है ना, दोनों जब दोनों के जो जितने मिनिस्टर होंगे वो दोनों इक्वल होंगे, ठीक है ना। जितने डच बोलने वाले आएंगे उतने ही फ्रेंच बोलने वाले आएंगे। इससे क्या होगा कि भाई किसी को भी, किसी के भी साथ में अन्याय नहीं होगा। अन्याय किस प्रकार, मतलब एग्जांपल के लिए अगर कोई भी मेजोरिटी में होगा तो वो क्या करेगा, अपने लिए काम करेगा। भाई अगर डच के मिनिस्टर बन जाते हैं ज्यादा तो क्या होते हैं, डच वाले अपने हिसाब से काम करेंगे, ठीक है ना, अपने फायदे के लिए काम करेंगे। वो क्यों सोचेंगे फ्रेंच वाले के लिए काम करें, नहीं सोचेंगे ना। तो इसीलिए क्या हुआ, अब ये लोग आगे बढ़ रहे हैं कि भाई काम किया जाए यार, काम करना है तो, है ना। अब देश को आगे ले जाना है, देश को आगे कैसे ले जाएंगे, लड़ झगड़ के नहीं ले जा सकते ना, सिविल वॉर होती रहेगी, ले जा सकते हैं क्या, नहीं ले जा सकते ना, है ना। जब तक हम शांति से मिल बांट कर रहेंगे आराम से, ठीक है ना, आराम से रूल करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने संविधान को इस प्रकार बदल दिया है कि भाई सारे लोग मिलकर आपस में रहेंगे, ठीक है। पहले इन्होंने जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट में जितने मिनिस्टर बनेंगे वो सारे सेम रहेंगे, ठीक है ना, दोनों की संख्या बराबर बराबर होगी, ठीक है ना। अगर हमारे पास टोटल 20 मिनिस्टर बनेंगे तो 10 फ्रेंच के और 10 डच के, इससे क्या होगा, पार्शियलिटी नहीं होगी और दोनों लोग खुश हो जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर एक और अलग चीज है भाई, क्या है कि पावर्स वर गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है हर कंट्री में, आपको पता होगा, ठीक है ना, तो पूरी कंट्री को रूल करता है, ठीक है।
ठीक है। अब यहाँ पर कैसे रूल करेंगे, कौन रूल करेंगे, अब यहाँ पर रूल करने वाले हमारे पास देखना और किस प्रकार रूल करेंगे, ठीक है। पावर्स वर गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट है अपना, ठीक है ना, इक्वल इक्वल मिनिस्टर है। अब क्या है, अब जो स्टेट गवर्नमेंट है ना, इसको पावर्स दे दी गई है, पावर दे दी गई है कि क्या, कि अगर इसको कोई भी काम करना है तो ठीक है ना, ये किसके ऊपर डिपेंड नहीं होगी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं होगी, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं होगी, इंडिपेंडेंट काम कर सकती है, ठीक है ना। यहाँ पर दो रीजन है, क्लेम्स रीजन और दूसरा कौन सा, चलो दूसरा आप बताइए, ठीक है, या तो आप अपने समझ जाओ, ठीक है, क्लेम्स रीजन, ठीक है ना, और दूसरा बड़ा आराम से नाम याद आ जाएगा, चलो मैं बताऊंगा ही, ठीक है, आप याद कर लीजिए, ठीक है। पावर्स वर गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है ना, स्टेट गवर्नमेंट को पावर मिल गई है, अब इसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं है, ठीक है ना। यहाँ भी क्या है, यहाँ भी मिनिस्टर्स हैं, वो इन्होंने अपने एरिया के हिसाब से बना दी, ठीक है ना। फ्लेमिश रीजन है, फ्लेमिश रीजन में क्या है कि भाई जितने भी यहाँ पर कौन से जो मतलब फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं, तो ठीक है, अब यहाँ पर जो जितने भी मिनिस्टर बनेंगे फ्रेंच बोलने वाले बनेंगे, ये लोग अपने लिए काम करेंगे और इधर लोग अपने लिए काम करेंगे, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट अलग है, स्टेट गवर्नमेंट अलग होगी, स्टेट गवर्नमेंट को जो अपने लिए एरियाज के लिए जो करना है वहाँ पर जो लैंग्वेज लोग बोलते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, अब यहाँ पर ये लोग लैंग्वेज बोल रहे हैं फ्रेंच, ठीक है ना, फ्लेमिश में चलो मानते हैं, मान लिया फ्रेंच में फ्लेमिश बोली, फ्लेमिश में फ्रेंच बोली जा रही है, ठीक है ना, तो ये लोग अपने हिसाब से काम करेंगे, ठीक है, अपने एरियाज के हिसाब से, जहाँ उन लोगों के लिए जो चीज़ अच्छी लगती है उनके हिसाब से काम करेंगे, ठीक है, उनको ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, अब उन लोग खुश है अपना, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट का फैक्टर यहाँ पर ये है कि भाई इनके पास पावर है तो ये कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर किसी भी कुछ काम को करने के लिए इनसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अगला है हमारे पास ब्रसेल्स, डच और फ्रेंच, सबको आपने पता ही होगा कि भाई क्या था ब्रसेल्स के अंदर, ब्रसेल्स है क्या, सबसे पहले ये पता होना चाहिए, ब्रसेल्स है कैपिटल ऑफ बेल्जियम, ठीक है, कैपिटल ऑफ बेल्जियम, राजधानी है, ठीक है ना, कैपिटल सिटी है ब्रसेल्स, कहाँ की, बेल्जियम की, ठीक है, छोटा सा है, ज्यादा बड़ा तो नहीं है, ठीक है, पर यहाँ पर क्या है, इन्होंने क्या किया कि अभी तक हमने जो पावर डिवाइड जिस तरीके से की थी कि भाई यहाँ पर भी क्या क्या है, एक सेपरेट गवर्नमेंट बना दी है कि जो सेंटर में, तो सेंटर गवर्नमेंट होती है, ठीक है ना, कैपिटल जो कैपिटल सिटी होती है वहीं पर जाता है काम करती है, ठीक है ना। अब इन्होंने क्या किया है, पहली लाइन से कनेक्ट करना, ठीक है, तो मैं पहले पढ़ा था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो मिनिस्टर वो सेम होगी, ठीक है ना। अब दोनों स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है ना, जहाँ पर फ्लेमिश बोलने वाले लोग हैं, जो फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं वहाँ पर फ्रेंच की संख्या ज्यादा कर दी, यहाँ पर डच बोलने वाले लोग हैं वहाँ पर डच की संख्या ज्यादा कर दी है, ठीक है। ब्रसेल्स में क्या किया है, अब ब्रसेल्स की एक खासियत ये थी कि जो पूरे कंट्री में जो लोग मेजोरिटी में थे, ठीक है ना, वो माइनॉरिटी में थे कहाँ पर, ब्रसेल्स के अंदर, ठीक है ना, और जो माइनॉरिटी में थे पूरी कंट्री के अंदर वो यहाँ पर ब्रसेल्स के अंदर मेजोरिटी में है, ठीक है ना। बट सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट में दोनों इक्वल इक्वल दिया गया ना, दोनों इक्वल मिनिस्टर दिए गए हैं, ठीक है ना। अब इन्होंने क्या किया, अरे यार आपने उधर कम कर लिया, ठीक है ना, हम इधर कर लेते हैं, मैनेज दोनों ने मैनेज कर लिया, और जब दोनों ने मैनेज किया तो पता क्या हुआ, इन्होंने बोल दिया कि ठीक है भाई इधर आपने कम किया था, आप उधर आपने हमारे मिनिस्टर बढ़ाए थे, हम आपके मिनिस्टर इधर बढ़ा लेते हैं, तो ब्रसेल्स के अंदर क्या होता है, यहाँ भी इक्वल मिनिस्टर रखे लिए जाते हैं, जो कैपिटल सिटी में जितने मिनिस्टर बने हैं वो भी इक्वल है, उनकी संख्या सेम है, ठीक है। अगला हमारे पास आ जाता है कम्युनिटी गवर्नमेंट, यार ये क्या है कम्युनिटी गवर्नमेंट, ठीक है, वीडियो नंबर 3 आपने देखा होगा, वीडियो नंबर 3 में कम्युनिटी गवर्नमेंट बड़ी अच्छी गवर्नमेंट थी कि भाई कितना काम करती है, ठीक है ना, एजुकेशन रिलेटेड काम करती है हमारे पास, ठीक है ना, कल्चर रिलेटेड काम करती है। कम्युनिटी गवर्नमेंट का जो रोल होता है बहुत बड़ा, एक बहुत ब्रॉड रोल होता है, ठीक है, क्योंकि इसके पास काम भी करने के लिए बहुत ज्यादा होता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थोड़ी ज्यादा होती है, ठीक है ना। अभी जो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, इसको किस तरीके से मैनेज किया जाएगा, अब देखिए ना, कल्चर, ठीक है ना, कल्चर, अगर आपको कोई भी कल्चर बचानी है अपनी, ठीक है ना, तो आपकी जो कल्चर है, ठीक है ना, इंडिया में डाइवर्सिटी की हम बात कर रहे थे, ठीक है ना, श्रीलंका के अंदर डाइवर्सिटी, ठीक है ना, बेल्जियम के अंदर डाइवर्सिटी और इंडिया के अंदर डाइवर्सिटी, ठीक है ना, इंडिया के अंदर डाइवर्सिटी, इंडिया के बारे में नहीं पढ़ने वाले यहाँ पर, किसके बारे में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे भाई बेल्जियम के बारे में, और डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी कैसी, कि भाई एग्जाम्पल लेंगे इंडिया का तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। देख रहे जो कल्चर है, तमिलनाडु की जो कल्चर है वो अलग होगी, अलग होगी, राजस्थानी कल्चर अलग होगी, ठीक है ना, और मिजोरम की कल्चर अलग होगी, ठीक है ना, कल्चर सबकी अलग है। अच्छा सबकी कल्चर अलग है तो क्या करना है आपको, तो देखना होगा कि अभी जो इस कल्चर को कौन बचाएगा,
ठीक है ना। अब कल्चर के लिए जो अलग 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 से रूल लेकर आ रहे, ठीक है ना, एक रूल बनेगा जो सारी कल्चर के लिए काम कर सकता है, नहीं कर सकता, ठीक है ना। कि अपनी अपनी कल्चर को बचाना है भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर बोल देती है भाई सारे इस तरीके से, भाई हम सारे इस तरीके के कपड़े पहनेंगे, ठीक है ना, बट यहाँ तो डाइवर्सिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट एक है ना, उसने बोल दिया कि सारे लोग यहाँ हमारे यहाँ पर जींस पैंट पहनेंगे, ठीक है ना। कहाँ की कल्चर है, तमिलनाडु की है, नहीं है, राजस्थान की है, नहीं है, मिजोरम की है, नहीं है, कहीं की कल्चर नहीं है तो, ठीक है। चलिए मान लेते हैं अगर जींस पैंट पहनना, ठीक है ना, हमने गोवा की कल्चर बता दी, ठीक है, चलो गोवा की कल्चर है कि जींस पैंट पहनना, ठीक है ना, पहनी है, खुश रहिए, ठीक है ना। बट क्या तमिलनाडु वाले इसको एक्सेप्ट करेंगे, नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये उनकी कल्चर है ही नहीं है, ठीक है ना। जो कल्चर वाला जो एरिया है, जो कल्चर का काम जितना भी है, वो किसको दे दिया हमने, कम्युनिटी गवर्नमेंट को, ठीक है। कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या काम करेगी, कल्चर वाला काम करेगी, एजुकेशन वाला काम करेगी। एजुकेशन पता क्या है, एजुकेशन ये फैक्टर क्यों आ गया, एजुकेशन वाला फैक्टर हम बताते हैं क्यों आया है। एजुकेशन वाला फैक्टर सिर्फ इसलिए आया है क्योंकि आपने देखा होगा कि जो हिंदू रिलीजन है, ठीक है ना, यहाँ पर पढ़ने का तरीका, मतलब पहले देखा जाए तो हम कहाँ पर जाते थे, हम स्कूलों में तो नहीं जाते थे, ठीक है ना, जो हमारे गुरु जी हैं हम उनके पास जाते थे, भगवान श्री राम भी आपने देखा होगा, ठीक है ना, वो तो मतलब जो बोर्डिंग स्कूल होते हैं आजकल की तरह, ठीक है ना, कि वहीं जाना वहीं पढ़ना, ठीक है ना, वो चीज़ सेम टू सेम चल रही है भाई। हर मतलब हर एक कल्चर में, ठीक है ना, हर एक रिलीजन में क्या है कि सबका पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है, ठीक है ना। शिक्षा प्राप्त करना है, एजुकेशन लेनी है हमें, ठीक है ना, कैसे प्राप्त करेंगे वो दिक्कत है, ठीक है। अब इसको कौन मैनेज करेगा यार, सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ा ना बता पाएगी। हिंदू अपना अलग जगह जाते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है ना, बहुमंच अलग जाते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है ना, तो सबके लिए अलग अलग है, ठीक है। तो वही चीज़ है कि कम्युनिटी गवर्नमेंट के पास में इसमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई कि कल्चर को अगर बचाना है तो किसकी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कम्युनिटी गवर्नमेंट की, ठीक है। तो ये चार पॉइंट, ठीक है, क्लियर हो जाएंगे। अब एक काम करते हैं, अब थोड़ा सा होमवर्क सुन लेते हैं, है ना। होमवर्क में क्या होगा हमारा कि भाई श्रीलंकन से ले रहे थे, ठीक है ना, व्हाट वर द डिमांड्स ऑफ श्रीलंकन तमिल्स, ठीक है ना, ये आपको करके लेकर आना है, ठीक है ना। इसमें ज्यादा नहीं, 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। बुक्स सभी के पास होंगी, और जिसके पास नहीं है, ठीक है ना, कोई भी बहाना नहीं बनाएगा कि मेरे पास बुक नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि आप जहाँ पर मतलब फोन पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ठीक है, फोन के अंदर बुक भी आ सकती है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही चीज़ है। अगर नहीं आती है ना, मेरे से कॉन्टेक्ट करना, ठीक है ना, मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। तो व्हाट वर द डिमांड्स ऑफ श्रीलंकन तमिल, ठीक है ना, श्रीलंकन तमिल से आपकी डिमांड्स क्या थी, ठीक है ना। 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये आपको करके लेके आना है, ठीक है ना, हिंदी में भी, हिंदी में बता रहा हूँ, जो श्रीलंकाई तमिल थे उनकी क्या मांगे थी, ठीक है, श्रीलंकाई तमिल कौन थे, वीडियो नंबर 2 में होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। इस वीडियो एक बार दोबारा देख लेना, बुक है ये आपके पास, और आशा करता हूँ, उम्मीद है वैसे कि समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो मैं, ठीक है, वही यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और अब हमारे पास बचता है, ये चैप्टर पूरा पढ़ लिया आपने, ठीक है ना, बेल्जियम ने किस तरीके से अपनी जो पावर को शेयर करके किस तरीके से उसको रोक कर रखा, ठीक है ना, सिविल वॉर नहीं होने दिया, ठीक है ना। और श्रीलंका ने क्या किया था भाई, पावर को शेयर नहीं किया, ठीक है ना, लोग कुछ नहीं थे, लोग लड़ भिड़े के बाद क्या हुआ, सिविल वॉर, ठीक है ना, सिविल वॉर से किसी का भी फायदा नहीं होता, ठीक है। तो बेल्जियम और श्रीलंका में दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया, ठीक है, समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी है, ठीक है ना। तो अब एक क्वेश्चन है भाई, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, why do we need to share power, ठीक है ना, पावर शेयरिंग है वो हमारे लिए जरूरी है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना, आ ही जाता है लगभग, तो ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन 3 मार्क्स का, ठीक है ना, आप हिंदी वालों और इंग्लिश वालों, ठीक है ना, दोनों मुझे, मैं टाइम बता दूंगा आपको कब तक आपको शेयर करना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है ना, और इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, इस चैप्टर में और कुछ भी नहीं बचा, ठीक है, ओके, बाय बाय।